सो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ, चलो देखते हैं। भाई गेम में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना मजा आ रहा है ना गेम में, है ना? कितनी अच्छी गेम है ना ये। गला सूख गया मेरा। सांची मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना। अभी देती हूँ पापा, पहले मैं अपनी गेम तो पूरी कर लूँ, पानी तो मैं बाद में भी दे आऊंगी। हाँ आज तो गेम में बहुत मजा आया है, पर अभी मैंने आपकी सांची दीदी को पानी लाने के लिए बोला था, पानी तो लाई नहीं है, तो आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो। थैंक यू। आजकल सांची खाली बैठे बैठे बहुत आलसी होती जा रही है। थैंक यू इवा। One hour late. सांची खाने लग गए, जल्दी आ जाओ। आई मम्मी, पहले मैं मेरा कार्टून तो पूरा देख लूं। हाँ इवा आज तो खाना बड़ा अच्छा बना था, पर मैं आपकी बहन का क्या करूँ, वो तो खाना खाने भी नहीं आई। चलो मैं सांची को देखूँ कि वो क्या कर रही है। सांची आप आज खाना खाने क्यों नहीं आए? पापा मैं बस आई रही थी, बस अभी आ रही हूँ। और सांची कल आपका एग्जाम है, आपने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली है? मैं बस अभी थोड़ी देर में पढ़ने बैठूंगी। ठीक है सांची, तो याद से अपनी तैयारी पूरी कर लेना, कल सुबह ही तुम्हारा एग्जाम है। ओके पापा कर लूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। लेट है। चलो इवा बॉल से खेलते हैं कैच। चलो कैच करो। ये आप करो। ये कैच इवा। सांची तुम अभी तक खेल रही हो? तुमने अपने पेपर की तैयारी करनी थी, तुम्हें उसके लिए सामान इकट्ठा करना था। पापा मैं थोड़ी देर में पढ़ लूंगी, आप टेंशन मत लो। सांची वैसे आपको अपने सारे काम टाइम पे खत्म करने लेने चाहिए, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ अपने सारे काम टालते जा रहे हो। हाँ पापा मैं भी कर लूंगी। A few moments later. मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, रात के 9 बज रहे हैं। लाइट चली गई, अब मेरी विजन कैसे करूंगी मेरी, अब मैं कैसे पढ़ूंगी, कल तो मेरा एग्जाम है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। पहले मैं अपनी गेम तो पूरी कर लूं, पानी तो मैं बाद में भी दे आऊंगी, पहले मैं मेरा कार्टून तो पूरा देख लूं। ठीक है सांची, तो याद से अपनी तैयारी पूरी कर लेना, कल सुबह ही तुम्हारा एग्जाम है। ओके पापा कर लूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। वैसे आपको अपने सारे काम टाइम पे खत्म करने लेने चाहिए। हाँ पापा मैं भी कर लूंगी, अब आगे से मैं सभी काम टाइम पे करूंगी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? जैसे आपने देखा कि सांची सारे काम अपने टाल रही थी और आखिरी में वो अपने एग्जाम्स के लिए ही तैयारी नहीं कर पाई। सो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने सारे काम हमें टाइम पे पूरे करने चाहिए और हमें किसी भी चीज को टालना नहीं चाहिए। राइट सांची? यस फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। Bye-bye. Bye.